नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के मेहमदपुर गंजा के मैदान पर चल रहे मां शीतला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बिहारीपुर की टीम ने मायागंज की टीम को 54 रनों से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहारीपुर की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 9 विकेट के नुकसान 153 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मायागंज की टीम ने 14 ओवर में सभी विकेट पर सिर्फ 99 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच बिहारीपुर के गोविंदा को दिया गया। गेंदबाजी में 3 ओवर में 8 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके। मैन ऑफ द सीरीज मायागंज टीम के अमन को ट्रॉफी व मोबाइल फोन दिया गया, जिन्होंने 263 रन बनाए। पूरे टूर्नामेंट में एम्पायर के रूप में कंचन अमोद, स्कोर चंदन, कमेंटेटर के रूप में अनितेश कश्यप, विनय कुमार ने रोचक कमेंट्री की। वहीं विजेता टीम को पप्पू यादव व आरती कुमारी द्वारा ट्रॉफी 14001 का पुरस्कार दिया गया। विद्या विहार के संचालक प्रशांत कुमार, पप्पू ताती, सरपंच प्रभाकर झा द्वारा ट्रॉफी व 8001 SKP विद्या विहार पैच उपविजेता टीम को SKP विद्या विहार की तरफ से दिया गया। वहीं उद्घोषक की भूमिका में ITCL के गुंजन राज थे, अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उपस्थिति नहीं है, मैं उनका भी मैं सम्मान के साथ आदर पूर्वक के साथ अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले हमारे साथी, हमारे भाई कुंदन राज जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था खास करके इस टूर्नामेंट के लिए। कहा था कि भैया आपको आना है, आप तो हर कार्यक्रम में जाते हैं, हर क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। यह सही बात है कि क्रिकेट मैच का आयोजन हो और हम ना पहुंचे मज़ा नहीं आता है, इसलिए खास करके मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट में ज़्यादा बुलाते हैं। कोई भी अगर हमें तो SKP विद्या विहार स्कूल है तो हम वहाँ पे लोगों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देते हैं, खेल के प्रति हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर आमंत्रित जो है स्पोर्ट्स के माध्यम से मुझे लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम। और मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट मेरा सबसे पसंदीदा खेल था, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार में मेरा छोटा भाई भी इस क्रिकेट में अंडर 15 जो सिलेक्शन होता है उसमें उसका चयन किया गया था बिहार झारखंड की ओर से। हालांकि वह बहुत प्रयास किया, नहीं खेल सका। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि आप जो खेल खेलते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बीच जो दोनों टीमों के खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आप टेनिस बॉल तक रहना चाहते हैं या कि ड्यूज बॉल तक खेलना चाहते हैं। आज मैंने जो एक खेल देखा बिहारीपुर और मायागंज, मैंने देखा कि एक युवा खिलाड़ी जिसका नाम गोविंदा है, सब गोविंदा नाम है ना, मैं पहले भी उसे बहुत टूर्नामेंट में देख चुका हूँ उसको, ठीक है, बहुत टूर्नामेंट में देखा हूँ, चेहरे से भी पहचानता हूँ मैं उसको, बाल भी उसका बहुत अलग टाइप का है। तो वो गोविंदा ने जो आज बॉलिंग किया, मुझे यह नहीं लगता है कि वो बॉलिंग का वो पिच उसके लायक था। उसने एक एक जो लाइन लेंथ जो संभाला, जो उसने बॉलिंग किया विकेट टू विकेट, वो बैट्समैन खुद जानता होगा कि वो बॉल कैसा स्विंग कर रहा था, वो बॉल कितनी गति से आ रहा था। क्या मैं अगर सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे बताइए। सही है। तो ऐसे खिलाड़ी